लकी ने डर। नमस्ते दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं सर्प मित्र ओम चिजगरे। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों, ये एरिया पूरा खेती बाड़ी वाला इलाका है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काम कर रहे थे और इसे में एक सांप देखा गया है। दिखाते हैं दोस्तों आप कौन सा सांप है, इन्फॉर्मेशन देते, वीडियो में आखिर तक बने रहे। जैसा कि दोस्तों घास के अंदर में सांप छुप के बैठा हुआ है। तो अभी शाम का मौसम हो गया है तो वो अपनी जगह में छुप के बैठा है दोस्तों। तो अभी निकालते हैं उसको फटाफट से। इंडियन रैट स्नेक है दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी देते हैं, फिर इसको रेस्क्यू करके जंगल में छोड़ दिया जाएगा। आंगरे एक मिनट आलू बोलना। मार पण लागले त्याच्यानं करत होते कुळादी ना, तेव्हा लागलं वाटतं। मार लागला हो तोंडाले मार लागला नाही ऑक्सिजन केलं वाटतं। जे कचेऱ्यात ते दतार आहे ना, असं वळलं हां वळलं तेव्हा ती लागलं। ते त्यांनाच वळली का नाही तिथे अन्याशी असंख्यात लागून तो सर तुमके लागू। जैसा कि दोस्तों इसे हम इंग्लिश में इंडियन रैट स्नेक के नाम से जानते हैं दोस्तों, हिंदी में घोड़ा पछाड़ के नाम से जानते हैं और मराठी में धामन नुकल नेम धामिन दोस्तों। तो ये यहाँ पर काम कर रहे थे तो जब वो वहाँ से पावड़े से खींचा गया तो दोस्तों इसके खोपड़ी पर थोड़ा सा मार लगा हुआ है, इंजर्ड हो चुकी है। तो थोड़ा पानी पिलाएंगे दोस्तों इसको, फिर उसके बाद हम पैक करेंगे और लेके जाएंगे जंगल में। तो दोस्तों इसकी पहचान देख लीजिए, इसका छोटा सा मुंह होता है, जालीदार पूंछ होती है इसकी वाली और नीचे से पीली और ऊपर से पीली दिखती है कभी कभी, और कभी कभी धामन पूरे ही काले कलर में होती है दोस्तों। जालीदार नक्शिया देख सकते हो इसके शरीर पर किस तरह से होती है। ये बार बार जो जबान अपनी बाहर निकाल रही है दोस्तों, ये वातावरण को एब्जॉर्ब कर रही है, आजू बाजू के वातावरण की वो तफसील कर रही है दोस्तों। अभी चलिए इसे पैक करते हैं, थोड़ा सा पानी आनंद है काका जी। उसको खून नहीं कर रहा है, लग गया ना उसको, मार लग गया ना उससे, पावड़े से कर रहे थे मार लग गया ना। ये दत्तारा ना ते तन्नस पिछली का नहीं, ये सापुन के लिए थोड़ी ये विषयरी ना आएगा दादा। आप बिन विषयरी साहब जहरीला आएगा के भैया? नहीं नहीं बिना जहर वाला साहब, बिना जहर वाला, अभी तरह से बिना जहर वाला। लोगों की नहीं बोलते कि अपन गांव में जो बहुत से अंधविश्वास है, पूछ मार देती तो जख्म हो जाता, सड़ जाता, पूछ मार देती तो वो वाला है जो आदमी बोलता नहीं कि पूछ मार दिया तो सड़न पैदा हो जाती। ये इसको छोड़ दूंगी कि पैक कर दूंगी, पैक कैसे लेकर के जाएंगे तो अभी तो आलू आलू थोड़ा पानी थोड़े देखो ना कैसा भाग रहा है वो कुल देवता बेचारे। लेकिन वो भाग रहा है पता है क्या, पानी पीने उसके सर में लग गया, पता है क्या उसके सर में लग गया ना, इस वजह से वो थोड़ा सा बाल्टी ला दे पी रही है। वैसे बाल्टी लाओ, बाल्टी आना बाल्टी, बोतल में तो जमा नहीं पीऊं रही है उसका, वैसे वो भाग रहा है ना, नहीं पी जितने पी बाल्टी है ना, लग रहा है कि मार रहे हैं वाली बाल्टी। हां वो डर रहा है, वो छोटी बाल्टी क्यों ना लेकिन पिए ही नहीं रहा ना पानी, इधर उधर भाग रहा वो, लग रहा है मार रहा ना बाल्टी उसके सर में मार लग गया पता ही। हाथ लगाना तो हाथ लगाना क्या होने वाला है उसको, तो उसके जब उसके हाथ में है भाई के हाथ में तो दिक्कत ही क्या है। बाल्टी में डुबा दो भैया, अच्छा बाल्टी में वो डर रहा है एकदम से।
था पर कितना बड़ा हो गया। अगरबत्ती माती पेट्रोल पिचकस ट्रेक्टर बोले ना महाकाल छह सांस लेने के लिए करना पड़ेगा। रखने वाले महाकाल एक डब्बे में आ गए, जरूरी है। अरे बोले ना तुम्हारे तुम्हारे सोमवार को तुम्हारे दरबार महाकाल नहीं मिलेंगे अब तुम्हारे को। काला रहते बहुत भयंकर पुरस्कार मारते। अरे काला भूरा सफेद से क्या मतलब है, तो वही साफ होता है। जैसे कि दोस्तों हमने इसे अभी सुरक्षित पैक कर लिया है, अभी लेके चलेंगे दोस्तों, इसको उचित स्थान पर छोड़ा जाएगा जहाँ से मतलब इंसानों की बस्तियाँ खूब दूर होती है, वहाँ पर इसे रिलीज कर दिया जाएगा सुरक्षित। इसको पैक कर लिया है और दोस्तों ये ली गांव में आता है और यहाँ पर कोई रेस्क्यूअर रहता है, वो नहीं आया था उसकी वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। ये मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, फिर भी आना पड़ता है दोस्तों, इमरजेंसी का काम होता है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। धुमला ना।